महाभारत का एक पवित्र चरित्र गंगा, जिसकी पुरातन काल से ही पूजा अर्चना होती आई है, से जुड़ा हुआ एक अविश्वसनीय रहस्य है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इस कथा के अनुसार गंगा ने अपने 7 जीवित पुत्रों को नदी में बहा दिया था। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अपने ही पुत्रों की ऐसी निर्मम हत्या के पीछे क्या कारण था। महाभारत में राजा शांतनु और देवी गंगा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि देवी गंगा के 8 पुत्रों को श्राप मिला था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार 8ों पृथु पुत्र, जिन्हें वसु कहा जाता है, अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर विचरण कर रहे थे। इसी पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी था, जहाँ वसुओं ने एक नंदिनी नामक गाय को देखा। द्योस नामक वसु ने अन्य सभी वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के आग्रह पर उस गाय का हरण कर लिया। जब इस बात का ऋषि वशिष्ठ को पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसु ऐसा भयानक श्राप सुनकर घबरा गए और क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि ने कहा कि तुम 7 वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति प्रदान हो जाएगी, परंतु इस द्योस नामक वसु को अनेकों वर्षों तक पृथ्वी लोक में रहकर अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऋषि वशिष्ठ द्वारा दिए गए इस श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई, तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल ही मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। इस प्रसंग के पश्चात पृथ्वी लोक में गंगा ने राजा शांतनु से प्रेम विवाह किया। विवाह के समय गंगा ने शर्त रखी कि यदि राजा शांतनु ने जीवन में कभी भी गंगा को किसी कार्य करने से रोका या कोई प्रश्न किया, तो वो राजा शांतनु का परित्याग कर देगी। विवाह के पश्चात गंगा गर्भवती हुई। राजा शांतनु हर्षित हो उठे। जब पुत्र का जन्म हुआ तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। पुत्र को जन्म देते ही गंगा ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा की आत्मा तड़प उठी, परंतु विवाह के समय दिए वचन के कारण उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। इसी तरह की घटना 7 पुत्रों के जन्म तक घटित होती रही। राजा शांतनु पूर्णतया टूट चुके थे। 8वें पुत्र के जन्म के पश्चात जैसे ही गंगा उसे नदी में प्रवाहित करने के लिए जाने लगी, तब राजा शांतनु स्वयं को नहीं रोक सके। उन्होंने दौड़कर बालक को गंगा से छीन लिया और क्रोधित हो उठे। गंगा ने शांत स्वभाव से कहा, हे महाराज, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, अब मुझे आपका परित्याग करना होगा। जाने से पहले मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। मैंने अपने पुत्रों का जीवन छीना, इसका कष्ट मुझसे अधिक किसी को नहीं होगा, परंतु मैं उनका भविष्य जानती थी, इसलिए मुझे उन्हें जन्म लेते ही मृत्यु देनी पड़ी। हमारे 8ों पुत्र श्रापित हैं, इनका जन्म हर क्षण दुख सहन करने के लिए ही हुआ था, इसलिए जीवन भर के कष्ट से बचाने के लिए मैंने जन्म लेते ही उन्हें प्रवाहित कर दिया, परंतु आपने 8वें पुत्र को बचा लिया। यदि आज आप कुछ ना कहते तो हमारी अगली संतान इस संसार के लिए वरदान होती। अब हमारे 8वें पुत्र को जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। मैं अभी इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, आपके वंश के अनुसार योग्य बनाकर इसे वापस आपके पास लाऊंगी। दोस्तों, गंगा और शांतनु का यह 8वां पुत्र और कोई नहीं अपितु भीष्म पितामह थे, जिन्हें जीवन में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा और उन्हें कोई भी सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, और अंत में पितामह एक कठिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तो मित्रों, यहाँ समाप्त होता है आज का एपिसोड। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।